नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा एनिमल हस्बेंड्री, कृषि पशुपालन का रहेगा। तो हम सब पिछले लेक्चर में देखे थे गाय की दुधारू नस्ल, क्या पढ़ चुके हैं? दुधारू नस्ल हम सब देख चुके हैं, यानी दुधारू नस्ल में साहिवाल, सिंधी, गिर तथा देवनी। और गाय से संबंधित जितने भी जनरल क्वेश्चन होते हैं हमने वो सबको बताया है। अगर आगे कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो उसको हम जरूर आगे बताएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गाय की द्विकाजी नस्ल, क्या हो जाएगा? गाय की द्विकाजी नस्ल यानी डबल पर्पज ब्रीड्स ऑफ काउ, ऐसे बोला जाता है डुअल पर्पज, डुअल पर्पज ब्रीड्स ऑफ काउ, क्या हो जाएगा? डुअल पर्पज ब्रीड्स ऑफ काउ यानी गाय की द्विकाजी नस्ल। गाय की द्विकाजी नस्ल है, काजी नस्ल, तो ये हो जाता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गाय की द्विकाजी कौन कौन सी नस्ल हो, उसके नाम हमें पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब सबके हम नाम देख लेंगे कि कौन कौन सी द्विकाजी डबल डुअल पर्पज ब्रीड्स के अंतर्गत कौन कौन सी गाय आती है, तो उसके बाद एक एक नस्ल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो गाय की द्विकाजी हमारी नस्ल हो जाएगी थारपारकर, थारपारकर, काकरेज, हरियाणा, क्या हो जाएगा? हरियाणा, थारपारकर, काकरेज, हरियाणा, अंगोल तथा कृष्णा घाटी। कृष्णा घाटी हो जाएगा। तो ये हमारी गाय की द्विकाजी नस्ल है, कौन सी? द्विकाजी यानी डुअल पर्पज ब्रीड्स ऑफ काउ। अब अगर पूछ लेता निम्न में से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल या दुधारू नस्ल है, तो हम उसके बारे में अगर पता रहेगा पढ़े रहेंगे कि कौन कौन से ब्रीड्स आती हैं जो द्विकाजी के अंतर्गत या भारवाही के अंतर्गत कौन कौन सी गाय हमारी आती है, तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अब इन सबको आप जरूर ध्यान रखना, थारपारकर, काकरेज, हरियाणा, अंगोर और कृष्णा घाटी गाय की डुअल पर्पज ब्रीड्स ऑफ काउ यानी गाय की द्विकाजी नस्ल है। अब एक एक के बारे में आप सबको डिटेल से बताते हैं, इनके इनका बॉडी क्या होता है, इनके बॉडी के लक्षण क्या होते हैं, इनका मूल स्थान क्या होता है, इनका मेन कैरेक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा, क्या देखते हैं? हरियाणा। अब इस गाय का मूल स्थान क्या होता है, यानी मूल स्थान देखेंगे मतलब नेटिव प्लेस, क्या हो जाएगा? नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस मतलब क्या होता है? मूल स्थान, हिंदी में हम क्या कहते हैं? मूल स्थान। हिंदी में से हम क्या बोलते हैं? मूल स्थान। अब इस नस्ल का मूल स्थान क्या होता है, मतलब उत्पत्ति स्थान या कहां से नस्ल निकाली गई थी, इस नस्ल का मूल स्थान पूर्वी पंजाब तथा हरियाणा क्षेत्र माना जाता है, क्या? इस नस्ल का मूल स्थान पूर्वी पंजाब तथा हरियाणा क्षेत्र माना जाता है। क्या माना जाता? तथा हरियाणा क्षेत्र माना जाता है। तो अगर मूल स्थान पूछता है तो इसको आप जरूर ध्यान रखना कि जो हमारी हरियाणा नस्ल होती है इसका मूल स्थान पूर्वी पंजाब, क्या है? पूर्वी पंजाब तथा हरियाणा क्षेत्र, क्या? हरियाणा के जो वहां पर इसका पूर्वी पंजाब हो सकता है या हरियाणा क्षेत्र या दोनों हो सकते हैं, तो इसका मूल स्थान हो गया। और इसके इस नस्ल के क्या लक्षण होते हैं,
अब ये तैयार नस्ल कहां कहां पर पाई जाती है, ये नस्ल कहां कहां पर पाई जाती है इसको हम देख लेते हैं अच्छी तरीके से। क्या नस्ल दिल्ली राज्य, क्या हो जाएगा दिल्ली राज्य काम हो जाएगा, राजस्थान के अलवा तथा भरतपुर जिले में पाए जाते हैं दिल्ली राज्य तथा राजस्थान के अलवा राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले में और भरतपुर जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है दिल्ली राज्य, कहां पर दिल्ली राज्य में तथा राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले और भरतपुर जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाता कि हरियाणा जो नस्ल होती है गाय की दुर्गाजी नस्ल, ये नस्ल कहां पर पाई जाती है या कहां पर अधिक मात्रा में पाई जाती है तो कहां दिल्ली राज्य में तथा राजस्थान के अलवर तथा भरतपुर क्षेत्र या जिला में यह पाई जाती है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं सामान्य विवरण। इनका सामान्य विवरण यानी मुख्य इनके सामान जो बाड़ी होता है क्या होता है, इनके सामान लक्षण होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हरियाणा जो नस्ल होती है उसको भारत की महत्वपूर्ण नस्लों में से एक नस्ल माना जाता है, यानी हरियाणा जो नस्ल होती है यह नस्ल भारत की एक महत्वपूर्ण नस्लों में या नस्ल भारत की महत्वपूर्ण नस्लों में सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है, सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। तो ये ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता कि भारत की निम्न में से कौन सी या गाय की दुर्गाजी कौन दुर्गाजी नस्ल में कौन सी नस्ल सर्वोत्तम मानी जाती है, तो कौन सी नस्ल हो या हरियाणा जो नस्ल हो सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। अब इनका रंग रूप देख लेते, क्या रंग यानी कलर, कलर इनका रंग कैसा हो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस नस्ल का रंग सफेद, कैसा सफेद भी होता, कैसा होता सफेद या हल्का धूसर या हल्का धूसर, कैसा होता हल्का धूसर, परंतु लेकिन या परंतु। अब इसमें कुछ परंतु आ गया तो समझ लीजिए कुछ तो इसमें में लक्षण हो सकते हैं। परंतु सिर कमर गर्दन, क्या हो परंतु सिर कमर गर्दन कमर गल कंबल क्या हो जाएगा गल कंबल और पिछला भाग और पिछला भाग गहरा धूसर होता है,
और पिछला भाग कैसा होता है, गहरा धूसर होता है। तो ये हमारे हो गए समान विवरण के अंतर्गत। यह नस्ल भारत की एक नस्लों में सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। भारत की गायों में जो सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है, इनके रंग रूप कैसा होता है, इस नस्ल का रंग सफेद कैसा होता है, सफेद या हल्का धूसर होता, परंतु सिर कमा गर्दन और पिछला भाग क्या होता है, और पिछला भाग गहरा धूसर रंग का होता है। कैसा होता है, गहरे धूसर या गहरा धूसर रंग का होता है। तो इनका क्या हो गया, ये लक्षण हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं इस नस्ल के नर का भार कितना होता है, यानी जो नर होता है यानी साढ़ या बुल जिससे बोला जाता है, उसका भार कितना होता है। इस नस्ल के नर का भार 450 किलोग्राम कितना होता है, 450 किलोग्राम होता है। और मादा नस्ल का भार अगर पूछ लेता, मादा नस्ल का भार क्या हो जाएगा, मादा नस्ल का भार तो 344 किलोग्राम होता है। कितना, 344 किलोग्राम होता है। अगर नर पूछ लेता कि बुल, तो 450 तथा मादा का भार 344 किलोग्राम होता है। अब हम देख लेते हैं उपयोगिता, क्या देख लेते उपयोगिता यानी यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता, उपयोगिता हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा उपयोगिता। अब इसके बारे में देख लेते हैं किन का उपयोग हम किस किस रूप में कर सकते हैं। तो इस नस्ल के जो बैल होते हैं क्या होते हैं, अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध, यानी कार्यों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इस नस्ल के बैल जो होते हैं कार्यों के लिए बहुत अच्छे या प्रसिद्ध होते हैं। कैसे होते हैं, जो हल जोतने भार वाहन, क्या होता है, हल जोतने भार वाहन, आप जो हल जोतने भार वाहन संबंधी सामग्री के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस नस्ल के बैल कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध या बहुत अच्छे माने जाते हैं। कृषि कार्यों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जो कि हल जोतने तथा भारवाहन के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो ये हमने बताया कि गाय की इनकी जो हमारी हरियाणा नस्ल होती है यूटिलिटी मतलब इनका उपयोगिता या उपयोग हम किस रूप में करते हैं। चाहे बैल जो होते हैं, हमारे बैल होते हैं, इनका उपयोग हम किस रूप में करते हैं। तो इस नस्ल के बैल कृषि कार्यों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्या होता है, कृषि कार्यों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो कि हल जोतने क्या होता है, मतलब या खेत जोतने के लिए हम लिख सकते हैं, खेत जोतने किसके लिए, खेत जोतने तथा भार वाहन के लिए प्रसिद्ध होते हैं। किसके लिए, भार वाहन मतलब बोझा ढोने के लिए। अब जैसे होता है गेहूं होता है, चावल होता है, गेहूं हो गया, धान हो गया, इसको हम काट कर दूर जो हमारा खेत होता काट देते वहां पर, उसके बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको हम अपने फील्ड में घर के आसपास रख के उसकी मड़ाई करते हैं। क्या करते हैं, मड़ाई करते हैं, तो उसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध होते हैं।
हमें जाता है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन अमेरिका दुग्ध उत्पादन कितना होता है ये भी देखना जरूर कि दुग्ध उत्पादन उनका कितना होता है। तो 1400 लीटर प्रति व्यक्ति, 1400 लीटर प्रति व्यक्ति, यानी पर व्यक्ति जो होता है कितने लीटर दुग्ध का उत्पादन करते हैं, तो पर व्यक्ति समझ लीजिए 1400 लीटर दुग्ध का उत्पादन ये करते हैं। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना कि हरियाणा जो नस्ल होती है उसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है। तो हरियाणा हमारे गाय की दो काजी नस्ल कौन सी, थारपारकर काकरेज हरियाणा, अंगोर और कृष्णा घाटी, ये गाय की दो काजी नस्ल है। अब इसमें सर्वोत्तम नस्ल कौन सी होती है जो अच्छी मानी जाती है, हरियाणा नस्ल है। इसका मूल स्थान क्या होता है इस नस्ल का, तो हमारा क्या हो जाएगा पूर्वी पंजाब, क्या हो जाएगा पूर्वी पंजाब हो जाएगा तथा हरियाणा क्षेत्र माना जाता है। यह नस्ल जो है कहाँ पर पाई जाती है, दिल्ली राज तथा राजस्थान के अलावा तथा भरतपुर जिलों में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। और इस नस्ल के जो बैल होते हैं कृषि कार्यों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो भारवान या बोझा ढोने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अगर नर का भार 450, मादा का भार 344 किलोग्राम होता है। इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो दुग्ध उत्पादन 1400 लीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1400 लीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगा। अब हम कुछ जनरल क्वेश्चन आप सबको बता दे रहे हैं, जो जनरल क्वेश्चन भी यानी कॉमन क्वेश्चन जान उसको भी जरूरी है, हमें याद करना भी जरूरी है, नॉलेज के लिए समझ लीजिए हमें हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ जनरल क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आप जबकि टाइप जो कुछ क्वेश्चन है उसको भी आज हम आप सबको बताते चलते बीच बीच में। तो उसका एक अगर हम नोट्स बना लेते तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा नोट्स है। समझ लीजिए एक से नहीं हम कम से कम दो तीन किताब से आप सबको पढ़ा रहे हैं, तो एक भी समझ लीजिए आपका क्वेश्चन किसी पेपर के लिए मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर इसको तैयार करिए और हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो एक क्वेश्चन हो जाता है कि दूध की रानी मिल्क ऑफ क्वीन, मिल्क ऑफ क्वीन यानी दूध की रानी हम किससे कहते हैं, मिल्क ऑफ क्वीन, तो दूध की रानी हम किससे कहते हैं, सानिन। अब सानिन क्या है, गोट है बकरी, ये ध्यान रखना। सानिन क्या है, गोट यानी बकरी है, तो सानिन गोट या ये बकरी की ब्रीड्स यानी प्रजाति। तो ये ध्यान रखना दूध की रानी हम किससे कहते हैं, मिल्क ऑफ क्वीन यानी दूध की रानी किससे कहा जाता है, सानिन को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है गरीबों की गाय पुअर मेंस ऑफ काऊ, पुअर मेंस ऑफ काऊ यानी गरीबों की गाय किससे कहते हैं, पुअर मेंस ऑफ काऊ मतलब गरीबों की गाय, तो गरीबों की गाय हम किससे कहेंगे, तो बकरी को कहा जाता है गोट। बकरी किसे कहा जाता है, गोट या बकरी को कहा जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, क्या हो जाए गेस्टेशन पीरियड, क्या हो जाए गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट, गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट यानी बकरी का गर्भकाल हिंदी में क्या कहते हैं, तो बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 145 डेज, कितना हो जाता है 145 डेज यानी 145 दिन होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं साल में पाली जाने वाली बकरी कौन सी होती है, अगर जैसे मानते हैं लोग गांव में पलते हैं तो कौन से ऐसी बकरी होती है जो मुख्य रूप से साल में पाली जा सकती है या पाली जाती है, साल में पाली जाने वाली बकरी, तो साल में पाली जाने वाली बकरी कौन सी होती है, बर्बरी, कौन सी हो जाएगी बर्बरी।
तो इसको भी नोट करते चलिए गई ध्यान रखना कि शहर में पाली जाने वाली बकरी कौन सी हो जाएगी, तो बर्बरी हो जाएगी। उसके बाद अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, शहर में पाली जाने वाली बकरी उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बकरी के दूध का नेचर कैसा होता है, यानी बकरी के जो दूध होता है उस किस नेचर का पाया जाता है, यानी एसिडिक होता है या अल्कलाइन मतलब अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, नेचर ऑफ गोट मिल्क। नेचर ऑफ गोट मिल्क, गोट मिल्क यानी बकरी का दूध किस नेचर का होता है, प्राकृतिक का होता है, तो किस नेचर का होता है हमारा हो जाएगा क्षारीय अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब क्षारीय, कैसा हो जाए अल्कलाइन मीन्स क्या हो जाए क्षारीय नेचर का होता, कैसा होता क्षारीय नेचर का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है भेड़ तथा बकरी के श्वास गति लगभग कितनी होती है, भेड़ तथा बकरी की श्वास गति कितनी होती है, इसको भी याद ध्यान रखिए, भेड़ तथा बकरी की श्वास गति लगभग कितनी होती है, तो भेड़ तथा बकरी की श्वास गति हमारी कितनी होती है, लगभग 14 से 22 बार प्रति मिनट, कितना होता है 14 से 22 बार प्रति मिनट, यानी एक मिनट में 14 से 22 बार श्वास छोड़ती है, लेना छोड़ना एक बार काउंट किया जाता है, कितने एक बार, तो 14 से 22 बार इनकी श्वास गति होती है भेड़ तथा बकरी के, अगर दोनों को देखा जाए तो श्वास गति कितनी होती है 14 से 22 होती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, अपेक्षित घनत्व कितना होता है, बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा 1.033 होता है, कितना होता है 1.033 होता है, ये क्या हो गया बकरी का अपेक्षित घनत्व। तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे मिल्क ऑफ क्वीन दूध की रानी किसे कहते हैं, सानन कहते हैं, सानन क्या बकरी है, ठीक है बकरी के ब्रीड से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पूर्व में सब काऊ गरीबों की बकरी, हाँ पूर्व में सब गरीब काऊ गरीबों की गाय किसे कहते हैं, तो बकरी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गेस्टेशन पीरियड ऑफ गोट बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 145 डेज का होता है, शहर में पाली जाने वाली बकरी बर्बरी हो जाएगा, उसका नेचर ऑफ गोट मिल्क यानी बकरी के दूध की प्राकृत क्या होती है, तो अल्कलाइन मतलब क्षारीय हो जाएगी। उसके बाद भेड़ तथा बकरी की श्वास गति कितनी होती है 14 से 22 बार प्रति मिनट, एक मिनट में हो जाएगा। उसके बाद बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 1.033 होता है, कितना होता है 1.033। तो आपके लिए समझिए बहुत ही किफायती क्लास है, समझिए बहुत नंबर एक का क्लास है, जो आप क्वेश्चन अगर आप 10 किताब 5 किताब से ढूंढेंगे तो समझ लीजिए इस तरह आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको आप जरूर अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जैसे आप सबको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हम अगर वीडियो उपलब्ध कराते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन यानी उपलब्ध हो जाए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।